एवरीवन दिस इज श्वेता वेलकम टू एम वाइव और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके तो बेसिकली आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपको शो हो रहा होगा आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का जिसे हम बोलते हैं पल्लव डायनेस्टी या फिर पल्लव राजवंश तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को लेकिन उसके पहले जितने भी स्टूडेंट यहाँ लाइव है सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो लाइक और जितना ज्यादा हो सके आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करेंगे साथ ही मैं आप लिंक दिया गया है Uh, हमारे प्रोडक्ट का और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का तो आप में से जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि आपको आने वाली सभी क्लासेस की वीडियोज़ uh, मिल जाए सॉरी uh, आने वाली सभी क्लासेस से रिलेटेड पीपीटी मिल जाए या आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मिल जाए तो उसके लिए आप प्रोडक्ट को भी इंस्टॉल कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को Uh, आज हम देखने वाले यहां पे पल्लव डायनेस्टी या फिर पल्लव राजवंश के बारे में यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ये प्ले करके दिखाना चाहूंगी कि जो पल्लव डायनेस्टी है या ये जो पल्लव राजवंश है बेसिकली इनका लोकेशन क्या था इनका ओरिजिन वाला रीज, रीज, रीजन कहाँ कहां पर है तो आप यहां पर ये देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा एक सेकेंड में आपको ओके ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना यही है जहां पर हमें पल्लव राजवंश या फिर पल्लव डायनेस्टी दिखाई देती है ठीक है और अगर मैं पल्लवों की बात करूं तो इनके पैरलली क्या चल रहा था तो आपने ऑलरेडी देखा है हमारे एंशियंट हिस्ट्री में जो अभी तक का हम पूरा एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे थे ओके okay, तो अभी तक का जितना भी हमने एंशियंट हिस्ट्री कवर किया था आपने इसमें देखा था कि आ, जो हमारे इसके पहले आ, नदन पार्ट है इंडिया का यहाँ पे कौन रूल कर रहा था तो अगर मैं भारत के नदन पार्ट की बात करूं हमारे इंडिया के नदन पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर इस समय हमें वर्धन डायनेस्टी दिखाई देती है और वर्धन डायनेस्टी के पैडल हमें यहाँ पर हमने डिस्कस किया था वाका रूल कर रहे थे और इसके पैरल हमें यहां पर क्या दिखाई देते पल्लवाज दिखाई देते हैं तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि नॉर्थ में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एंपायर क्रिएट किया जा चुका है पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन डायनेस्टी के रूप में और उसके पैरेलली हमें दक्कन या साउथ वाले रीजन में पल्लव डायनेस्टी भी दिखाई देती है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कैसे है तो इसके पहले हमने एक टॉपिक कवर करा था जिसका नाम था चालुक्या डायनेस्टी जब यहाँ पर चालुक्याज रूल कर रहे थे ना वाकटक के बाद चालुक्या आते हैं जब चालुक्या रूल कर रहे थे तो उनके पैरल हमें यहां पर दिखाई देते हैं पल्लवाज चालुक्य और पल्लवास के बीच में काफी सारे वॉर कंडक्ट हुए थे काफी सारे युद्ध हुए थे इवन मैं बोलूंगी कि जो इनिशियल चालुक्य डायनेस्टी थी उसको डिक्लाइन किसने किया था पल्लवाज ने ही किया था युद्धों में उनके जो भी महत्वपूर्ण राजा महाराजा थे उन्हें पराजित कर दिया था और उसके बाद से काफी लंबे समय तक पल्लवाज ने जो वदामी या वातापी था उस पर कंट्रोल भी किया हुआ था तो स्टार्ट करते हैं पल्लवास के अगर मैं रीन की बात करूं कि कब से कब तक इनका हमें रूल दिखाई देता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 300 सी या 300 ईस्वी के बाद का जो टाइम पीरियड है वहां पर हमें दक्षिण वाले क्षेत्र में पलवास जो है आ, दिखाई देते हैं बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं इनके ओरिजिन से रिलेटेड काफी सारे आ, आ, बोल सकते हैं कि अलग-अलग थ्योरीज हैं कि इनका ओरिजिन क्या है पल्लव का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं उनका अलग अलग ओरिजिन की थ्योरी है लेकिन बेसिकली कहा जाता है द ओरिजिन ऑफ पल्लवाज आर स्टिल नॉट क्लियर कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है वेरियस बिलीव्स अबाउट देयर ओरिजिन आर एस फॉलोज यानी कि अलग अलग बिलीव्स हैं इनके ओरिजिन को लेकर सबसे पहले जो हमें दिखाई देता है पल्लवाज के ओरिजिन को लेकर थ्योरी वो ये है कि uh, जो पल्लवाज है ये पार्थियंस की ही एक ब्रांच थी अब पार्थियंस कौन थे तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में मॉरियंस के बारे में तो हमने देखा था कि मॉरियंस के डिक्लाइन के बाद पोस्ट मॉरियन एरा में नॉर्थ वेस्ट से काफी सारे इन्वेडर्स इन्वेट करते हैं यानी कई सारे हमें विदेशी आक्रमणकारी दिखाई देते हैं जिसमें हमने शकों के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने पार्थियंस के बारे में पढ़ा था कुशाण के बारे में पढ़ा था तो आपको कुछ याद आया पार्थियंस ओके तो हमें दिखाई देता है फर्स्ट सेंचुरी बीसी और एडी के आसपास जो पार्थियंस नॉर्थ वेस्ट में अटैक करते हैं ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली ये जो पल्लवाज है ना ये उन्हीं से ओरिजिनेट हुए थे ओके okay, तो ये थ्योरी है जस्ट हमें देखना है बहुत ज्यादा इसमें कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो पहला बिलीफ ऐसा कहता है कि ये जो पल्लवाज थे अ ब्रांच ऑफ पार्थियन पीपल ये पार्थियन लोगों की ही एक ब्रांच थे और ईरान से संबंधित एक जनजाति थी दूसरा इनके बारे में जो थ्योरी है एन इंडिजीनियस डायनेस्टी दैट अरोज विद इन अ सदन रीजन एंड वर मिक्स ऑफ वेरियस ट्राइब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये इंडिजीनियस डायनेस्टी uh, थी मतलब ये भारतीय मूल के ही लोग थे और इनकी उत्पत्ति भारत के दक्षिण क्षेत्र में होती है और यहाँ पर इनका ओरिजिन होने के बाद हमें दिखाई देता है कि यही जो है आगे

ऑलरेडी हमने चोलास के बारे में कब पढ़ा था और आगे हम कब पढ़ेंगे तो एक तो हमने चोलास के बारे में पढ़ा था जब मैं आपको संगम एज के बारे में पढ़ा रही थी संगम एज आप बोल सकते हैं टू हंड्रेड बी से लेकर टू हंड्रेड एडी या थ्री हंड्रेड एडी का ये जो टाइम पीरियड है इसको हम संगम एज कहते हैं तो वहां पर हमने पढ़ा था चोल चेर पांडे ओके और एक चोल के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे नाइन्थ सेंचुरी एडी के आसपास हम एक और चोला किंगडम के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत पावरफुल थे ओके okay. यहां पर किसकी बात कर रहा है जो आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं क्योंकि इसके ओरिजिन को लेकर डाउटफुल है तो यहां पर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बेसिकली ये जो पार्थियंस थे ना इनका ओरिजिन चोल से हुआ है डिसेंडेंट फ्रॉम अ चोला प्रिंस एंड अ नागा प्रिंसेस ऑफ मनीपल्लवम ऐसा कहा जाता है ठीक है कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये सातवाहन के फ्यूडेटरीज थे फ्यूडेट्रीज क्या होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो सातवाहन का टाइम पीरियड था उस समय पे काफी बड़े आ, लेवल पर भूदान किया जाता था जमीन जो है वो दान दी जाती थी और आ, जिनको वो जमीन दान दी जाती थी ना उनके पास ये पावर होती थी कि आ, वो वहां पर अपनी सेना रख सकते हैं वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं तो इन लोगों को क्या कहा जाता था वो फ्यूडेट्री कह सकते हैं इंडिया में हम बोल सकते हैं एज अ जमीदार आप एक तरीके से देख सकते हैं फ्यूड्री उससे मिलता जुलता ही एक आ, 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 बोल सकते हैं नाम है तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो सातवाहन थे उनके फ्यूड्रीज थे और यही फ्यूड्रीज आगे जाके बहुत पावरफुल हुए और पावरफुल होके ये एक एम्पायर क्रिएट करते हैं जिसको आप एज अ पल्लव डिस्कस करते हैं या फिर यहाँ पर, पर स्टडी करेंगे ओके आगे बोल रहा है बाय द सेवन सेंचुरी एडी वर थ्री किंगडम्स अब इसके बारे में यहाँ पर बता रहा है कि सेवन सेंचुरी एडी के आसपास हमें तीन भारत में राज्यों का वर्चस्व दिखाई देता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं सुप्रीमेसी के लिए तो बाय द सेवन सेंचुरी एडी देर वर थ्री किंगडम्स इन सदर्न इंडिया विंग फॉर सुप्रीमेसी नेमली द चालुकिया ऑफ बदामी पांड्याज ऑफ मदुरई एंड द पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम तो जब आप पल्लवास को पढ़ेंगे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पल्लवास के पैरल हमें कौन कौन दिखाई देते हैं यहां पर आप इस मैप पर देख सकते हैं एक सेकेंड ओके आप इस वाले मैप पर थोड़ा सा स्टडी करिए अभी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहां पे थोड़ा और हम कोशिश करेंगे कि पिक्चर्स आपको और आ, अच्छे से आ, थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया जा सके तो आज आज थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहां पर जहां पल्लवास थे पल्लवास के पैरल नॉर्थ

फोर्थ सेंचुरी एडी यानी चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास इनका रूलिंग पीरियड चालू होता है मैंने आपको बताया भी था टू सेवेंटी फाइव एडी के बाद ही हमें पलवास का रूल दिखाई देता है तो आपने इनका रीजन देख लिया आपने इनके ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया कि बेसिकली इनका ओरिजिन से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज है या कंसेप्ट है नेक्स्ट हमने देख लिया कि भाई टाइम पीरियड क्या है इनका फोर्थ सेंचुरी एडी के आसपास इनके पैरलली कौन कौन रूल कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट में चालुक्यस् थे और साउथ में पांड्यास् थे तो आई थिंक यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा बढ़ते हैं हम आगे अब थोड़ा सा और चीजों को डिटेल से हमें डिस्कस करना है लेकिन उसके पहले मैं वापस आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर लाइव जुड़े हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और डिफेंस के वन बाय वन नोटिफिकेशन आ रहे हैं आने हैं तो आप लोगों के लिए ये एक ऐसा चैनल हम लेकर आए हैं जहां पर आप डिफेंस से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं स्पेशली सी डी एस एनडीए जो बच्चे तैयार करते हैं और उनको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता है जीएस का आप मेरी इस क्लास के थ्रू वो सारी जो है चीजें कवर कर सकते हैं प्ले लिस्ट भी दिया गया है तो काफी सारे स्टूडेंट्स के बाद में मैसेज आते हैं कि मैम क्लासेस कहाँ मिलेंगी तो देखिए हर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक होता है आप वहां से मेरी सभी प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं नोट्स बना सकते हैं बढ़ते आगे अब इनका क्षेत्र देखते हैं एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था द पलवास कैपिटल वॉज कांचीपुरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका कैपिटल कहां हुआ करता था कांचीपुरम में इनका कैपिटल हुआ करता था यह रहा इनका पूरा रीजन ओके देअर टेरिटरीज एट द हाइट ऑफ देयर पावर एक्सटेंडेड फ्रॉम नदर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश टू रिवर कावेरी इन द साउथ अगर मैं एग्जैक्ट इनके लोकेशन की बात करूं कि नॉर्थ टू साउथ ये कहां तक एक्सटेंड थे तो हम देखते हैं नॉर्थ में आंध्र और साउथ में कावेरी ये पूरा का पूरा इनका रीजन था और कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी इवन हमने पहले भी कांचीपुरम के बारे में डिस्कस किया था कब डिस्कस किया था जब हम स्टडी कर रहे थे चालुक्यास के बारे में और मैंने बताया था कि इन्होंने पहले चालुक्यास पर अटैक किया था आफ्टर दैट चालुक्य ने भी इनके कैपिटल कांचीपुरम पर अटैक किया था लूटपाट मचाई थी तो ध्यान रखना है कैपिटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजन आप समझ गए आंध्र प्रदेश कावेरी वाला रीजन जो है नदन सदन जो है इनका पार्ट दिखाता है ओके okay, आगे बोल रहा है मोस्ट uh, इंपॉर्टेंट है जिसके लिए पलवास बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए थे इनकी कैपिटल सॉरी इनके एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को लेकर वातापी या फिर जिसे बोलते हैं हम बादामी बाय द पलवा किंग नरसिम्हन सॉरी नरसिम्हन वर्मन हु डिफीटेड द चालुक्यास जो पलवास के एक बहुत फेमस रूलर हुए थे जिसका नाम था नरसिम वर्मन इनके बारे में हमने चालुक्यास के टाइम भी स्टडी किया था तो नरसिम वर्मन जो थे ये बहुत फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने चालुक्यों को पराजित किया था ना केवल पराजित किया था एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसी डिफीट के बाद से चालुक्याज पूरी तरह से डिक्लाइन हो गए थे ओके मतलब उनका पतन हो चुका था यहां पर यही बोल रहा है इसके अलावा द काल प्रभास, आ, वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यूमरस लैंड ग्रांट ऑफ ब्राह्मण मेड बाय द ब्राह्मणिकल ब्राह्मणिक रूलर्स ऑफ थ्री डायनेस्टी ऐसा भी कहा जाता है कालभ्रस्त अब देखो काल क्या कालभ्रे जब हम साउथ में इन कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को पढ़ते हैं जैसे हो गया आपका पल्लवाज हो गया चालुक्याज हो गया पांड्याज हो गया तो यहाँ पे छोटे छोटे और भी हमें अलग अलग रूलर्स दिखाई देते हैं अलग अलग वंश से संबंधित जैसे नागाज हो गया कालभ्रज हो गया तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हिंट कर रहा है कि जो कालभ्रज थे वो तीन राजवंशों के ब्राह्मण शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दी गई कई भूमि अनुदानों का विरोध कर रहे थे तो इस टाइम पीरियड में एक तरीके से इनके आसपास के रीजन में हमें कुछ प्रोटेस्ट भी दिखाई देते हैं और वो प्रोटेस्ट किस लिए थे क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण्स थे ना उन्हें साउथ की तरफ मूव किया जा रहा था कैसे तो जमीन दान देकर कि लो आपको वहां पर दान दे दिया जमीन तो अब जो है ये ब्राह्मण क्योंकि वहां जमीन दान में मिली है तो वहां जाके सेटल होंगे और वापस से पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करना ये सारी चीज़ें चालू होती हैं तो उसको लेकर जो लोकल लोग थे ना उनके द्वारा प्रोटेस्ट भी किया जाता है और वो इनके टाइम पीरियड में दिखाई देता है हमें पल्लवास के टाइम पीरियड में ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट द कालब्रज अपराइजिंग वॉज क्रस्ड बाय पांड्या चालुक्या एंड पल्लवा जॉइंटली इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि भले ही जो आपके चालुक्यास थे और पल्लवास थे ये आपस में लड़ रहे थे लेकिन हमें दिखाई देता है कि यहां पर जब रीजनल लेवल पर जो कालब्रस थे इनके द्वारा प्रोटेस्ट होता है वो छोटे छोटे विद्रोह करते हैं तो उसको इन तीनों पावर्स ने जॉइंटली किस तरीके से हैंडल किया उस विद्रोह को शांत किया था तीनों पावर्स जैसे चालुक्याज हो गया पल्लवाज हो गया और पांड्याज हो गए थे तो ये एक ऐसी चीज थी जहां पर तीनों ने अलाइन बनाया और अलाइन बना के इस विद्रोह को शांत किया था आगे बढ़ते नेक्स्ट अब हम जानते हैं इनके रूलर्स के बारे में तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है क्विकली करते हैं रिवाइज सबसे पहले मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया कि भाई इनका ओरिजिन क्या है ओरिजिन को लेके अलग अलग थ्योरीज हैं। सब पर हमने डिस्कस किया नेक्स्ट हमने इनके टाइम पीरियड के बारे में देखा फोर्थ सेंचुरी एडी के आसपास हमें इनका रूलिंग टाइम पीरियड दिखाई देता है नेक्स्ट इनका रीजन अगर मैं एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ रीजन की बात करें तो आंध्रा और नीचे हमें नर्मदा ये इनका एग्जैक्ट जो है रीजन है नॉर्थ साउथ कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी एक बहुत फेमस इनके रूलर थे वर्मन उनके बारे में हमने डिस्कस किया जिन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था अगेंस्ट पल्लवाज इवन एक और इनका आ, माना जाता है जॉइंटली बहुत अच्छा मिलिट्री परफॉर्मेंस किस किसके साथ मिलकर पल्लवाज आ, चालुक्यास और पांड्यास किसके अगेंस्ट किया था कालभ्रास के अगेंस्ट जो रीजनल लेवल पर एक बोल सकते ट्राइब्स ही थे और वो विरोध कर रहे थे किसका जो आ, भूमि दान दिया जा रहा था ब्राह्मणों को और बसाया जा रहा था दक्कन के क्षेत्र में ठीक है अब आ जाते हैं इनके रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली कौन कौन से रूलर्स हमें रूल करते हुए दिखाई देते हैं पलवास के देखो रूलर्स बहुत सारे होंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फेमस रूलर्स को पढ़ लेते हैं सबसे पहले यहां पर बात कर रहा है किसकी सॉरी शिव स्कंदन तो यहां पर ध्यान रखना है शिव स्कंद वर्मन जो हमें इसके फेमस रूलर दिखाई देते हैं ग्रेटेस्ट अमंग द अर्ली रूलर इनिशियली जितने भी पलवास के रूलर थे जो सबसे पहले महान राजा हुए पावरफुल किंग हुए थे उनका नाम था शिव स्कंद वर्मन रूल्ड एट द beginning ऑफ फोर्थ सेंचुरी एडी इन्होंने ही फोर्थ सेंचुरी एडी के आसपास रूल करना चालू किया इनकी पावर का हमें कैसे पता लगता है मतलब कोई कैसे बताएगा कि ये किंग जो है काफी पावरफुल होगा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के द्वारा एक होता है डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और एक इनडायरेक्ट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी होता है जो हमें वैदिक टाइम पीरियड से दिखाई देता है और वो इनडायरेक्ट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्या है वो है हमारा अश्वमेध परफॉर्मेंस तो मैंने आपको पहले भी बताया था अश्वमेध यज्ञ के बारे में बेसिकली uh, इसमें क्या होता है कि जो भी किसी किंगडम का रूलर होता है वो अपने घोड़े को फ्री छोड़ देता है उसको सजा बजा के और वो जिस जिस किंगडम तक वॉ uh, मूव uh, करता है वो सारे किंगडम के अगर राजा उसे अपनी टेरिटरी में जाने देते हैं यानी कि वो इस राजा से डर गए हैं इसकी अधीनता स्वीकार कर ली है और अगर वो उसके घोड़े को रोकते हैं अपनी टेरिटरी में घुसने से तो इसका मतलब है ये इससे लड़ाई करने को बोल रहा है और फिर इनके बीच में वॉर होता था वॉर होने के बाद ये राजा जीतता था फिर ये यज्ञ परफॉर्म कराया जाता था जिसमें जितने लोग उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं या उससे हारते हैं वो सब उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आते हैं और एनुअली भी इस तरीके के प्रेजेंट वगैरह दिए करते थे तो मैं आपको ये बताई थी कि ये जो शिव थे ये बहुत पावरफुल थे हमें कैसे पता लगा तो इन्होंने अश्वेध यज्ञ उस समय कंडक्ट कराया था और इसके अलावा भी ये काफी सारे वैदिक सेक्रिफाइस या वैदिक रिचुअल्स कर रहे थे जिससे इनकी पावर के बारे में हमें पता लगता है नेक्स्ट अगर हम जाए ये देखिए इस मैप पर देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा और थोड़ा सा अभी देखो अभी नई नई चीज़ें जो है कुछ चेंज हुई है तो थोड़ा बहुत आपको एक दो दिन एडजस्ट करने में टाइम लगेगा उसके बाद सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से चलेंगी और पिक्चर्स वगैरह मैं कोशिश करूँगी कि एक स्लाइड पे एक ही आपको प्रोवाइड करूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सकें इमेज आपको क्लियर होना चाहिए लोकेशन आपको क्लियर होना चाहिए तो ये देखो ये रहा पलवास का लोकेशन ये रीजन आपको याद होना चाहिए मैंने स्टार्टिंग से कोशिश किया कि मैप के थ्रू आपको पढ़ाऊं अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में अगला इंपॉर्टेंट रूलर कौन होते हैं इनका नाम है सिंह वर्मन ठीक है तो ये जो सिंह वर्मन या फिर सिंह वर्मन थे इनका रीन हमें दिखाई देता है फाइव सेवेंटी एडी से लेके सिक्स हंड्रेड एडी तक का Uh, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग क्या है कि ये uh, बुद्धिज्म को फॉलोअर करने फॉलो करने वाले थे ही वॉज अ बुद्धिस्ट इंक्लूडेड श्रीलंका इन हिस्स किंगडम और ये इतने पावरफुल थे कि इन्होंने अपनी टेरिटरी में श्रीलंका को भी इंक्लूड कर लिया था आप समझ रहे हैं तो पल्लवाज जो है वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ना केवल नॉर्थ वेस्ट में कर रहे हैं मतलब आगे आपको मैं बताऊंगी कि पल्लवाज ने चालुक्यों को पराजित किया तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करें ये सदर्न रीजन में जो हमारा एक बोल सकते हैं वाटर बाउंड्री शेयर करने वाला या वाटर बॉर्डर शेयर करने वाला नेबर है इसको भी अपने में मिला लिया था ऐसा कहा जाता है सिंह वर्मन के बारे में कि इन्होंने श्रीलंका को कंट ऑक्यूपाई कर लिया था डिफीटेड द कंटेम्प्रेरी तमिल रूलर और इन्होंने अपने पैदल जो बाकी कुछ तमिल रूलर्स थे उनको भी पराजित किया था तो ये कुछ ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया या कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक काम किया जिसके लिए इनका इनको जाना जाता है तो ये दो चार नाम आपको लर्न करने होंगे मोस्ट फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपके महेंद्र वर्मन महेंद्र वर्मन का नाम याद रखना है इसलिए क्योंकि चालुक्याज के टाइम पीरियड में भी हमने इसका जिक्र किया था इनका रीण कब से कब तक था सिक्स टू सिक्स थर्टी ओके क्लियर है तो 600 से 630 का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं ओके okay, तो 600 से 630 सौ ईस्वी का जो टाइम पीरियड है ये महेंद्र वर्मन का टाइम पीरियड था सक्सीडेड सिंभ विष्णु हु वॉज हिज फादर ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सिम विष्णु को रिप्लेस किया था हु वॉज हिज फादर बेसिकली आपको पता है कि जनरली हमें दिखाई देता है कि बेटे के बाद जो है सॉरी पिता के बाद जो है बेटा ही उनका रूलर बनता है तो हमें पता लगता है कि जो सिंह विष्णु थे वो इनके पिता थे और उनके बाद इन्होंने Uh, उनके उत्तराधिकारी के रूप में पद संभाला ही वॉज द पोएट एंड कम्पोज ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इनका uh, ना केवल एज अ रूलर बल्कि आर्ट वगैरह में भी इंटरेस्ट था और ये एक कवि थे ऐसा कहा जाता है और इनके द्वारा कुछ uh, जो रचनाएँ की गई थी उसमें कुछ फेमस है जैसे uh, विचित्र चिता और नेक्स्ट है महाविलास तो ये ध्यान रखना है ये दो इंपॉर्टेंट इनके uh, रचनाएं थी क्योंकि ये कवि थे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं महेंद्र वर्मन के बारे में कि इनके द्वारा हमें दिखाई देता है उस टाइम पीरियड में एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई थी रॉक रॉक कट कट जो है आई थिंक अभी एक पिक्चर होगा मैं आपको शो कर दूंगी रॉक कट टेम्पल क्या होता है बेसिकली जो रॉक्स uh, होते हैं जो पत्थरे होते हैं उनको काट काट के शिलाओं पे शिलाएं रखकर इस तरह से जो मंदिर बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं रॉक कट टेम्पल जैन हु टू अब ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसे जैन थे जो शैव धर्म में कन्वर्ट हो गए थे इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई दे रही होगी पलवा किंगडम में रिलीजन को लेकर तो आप देख सकते हैं कि बुद्धिज्म के फॉलोअर इनके पहले ये जैनिज्म के फॉलोअर थे और बाद में ये शैव में कन्वर्ट हुए यानी शैव धर्म को इन्होंने अपनाया तो ये ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को लेके बहुत रिस्ट्रिक्टेड है यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं रिलीजियस हार्मनी इनके टाइम पीरियड में पाई जा रही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बता रहा है हेड जो है के बहुत और बहुत रूलर थे. क्यों इतने फेमस थे तो मैं जब आपको चालुक्यास के बारे में पढ़ा रही थी तब मैंने एक बार जिक्र किया था कि यहाँ पर चालुक्यास थे और यहाँ पर थे वर्धन डायनेस्टी और हर्षवर्धन जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करके

आगे चलकर ये चालुक्यास के साथ बैटल में मारे जाते हैं ही वॉज एन एबल एंड एफिशियंट रूलर ये बहुत ही एफिशियंट रूलर थे मतलब काफी योग्य शासक थे आगे दिखाई देता है नरसिंह वर्मन सॉरी नरसिंह वर्मन के बारे में वो स्टोरी है मैं अभी आपको यहाँ पर बताती हूँ नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है वो महेंद्र वर्मन के सक्सेसर हुए इनके बेटे थे कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ पल्लवाज यानी पल्लास के जितने भी रूलर थे उसमें सबसे फेमस रूलर जो थे इनका नाम था नरसिंह वर्मन फर्स्ट इनको नरसिंह वर्मन महामल्ला भी कहा जाता था बेसिकली ये अलग अलग तरह के टाइटल्स थे जो ये लोग अडॉप्ट करते थे अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करूंगी जो भी मैंने आपको बताया महेंद्र वर्मन ने पल्लवास पर सॉरी चालुक्यास पर अटैक किए कई बार महेंद्र वर्मन चालुक्यास पर अटैक कर रहे थे हमें पता लगता है कि जो महेंद्र वर्मन ने चालुक्यास पर अटैक किया था तो चालुक्य किंग जो थे उन्होंने इन्हें डिफीट करके मार डाला था ठीक है तो उनका बदला लेने के लिए कौन आते हैं उनके बेटे आते हैं जिनका नाम था नरसिंह वर्मन और नरसिंह वर्मन ने ना केवल बदला लिया बल्कि सेकंड कंट्रोल किया रखा था तो ये इंटरेस्टिंग है और इसके बाद ही इन्होंने एक टाइटल भी लिया था जिसको बोलते हैं वातापी कौन। वातापी कौन वातापी कौन बेसिकली क्यों था क्योंकि जिस पर महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन ने कंट्रोल किया था किसको हराकर कर सेकंड को डिफीट करके तो इस वजह से इसने अपने आप को वातापी कोंड का टाइटल दिया था ये याद रखना है एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं ऑल्सो तो वेंकिष्ट द चोलास हमें पता लगता है कि ये जो नरसिंह वर्मन था इसने चोलास को भी एक तरह से परास्त कर दिया था इनके पैरल चेरास पांड्यास दिखाई देते हैं तो साउथ में जो चोल चेर पांडे की कुछ हमें छोटे छोटे उनके किंगडम्स बोलेंगे वो दिखाई देते हैं उनको भी इन्होंने डिफीट करा था उनसे भी लगातार ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे ही सेंट अ नेवल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका ये बहुत अच्छी चीज है देखो जब भी कोई किंग है उसका टेरिटरी कोस्टल है तो उसकी नेवी बहुत पावरफुल होनी चाहिए और हमें दिखाई देता है कि ये जो पलवा किंग थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी इवन इन्होंने अपना एक नेवल एक्सपेंडेशन भी भेजा था श्रीलंका में नौसैनिक अभियान भेजा था ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां पर बात कर रहा है ही फाउंडेड द सिटी ऑफ मामल्लपुरम और महाबलीपुरम व्हिच इज नेमड आफ्टर हिम तो इन्होंने एक सिटी फाउंड किया था जिसको आप मामल्लापुरम या महाबलीपुरम कहते हैं वहां पे हमें टेंपल भी दिखाई देता है वहां महाबलीपुरम टेंपल ये यह यहाँ पर मैंने आपको इस पिक्चर में शो कर दिया नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग चीज हुएंफा हुएंतांग के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट -फड़ बताइए कि हुएंतांग के बारे में आपने पहले कब सुना था सांग, एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर थे जो इंडिया में आते हैं तो किसके टाइम पीरियड में या किसके कोर्ट में आके सांग रहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए पर सांग का एक बार जिक्र किया गया क्यों किया गया देखते हैं तो विजिटेड है है द पलवा किंगडम ड्यूरिंग हिज रीन इन अबाउट सिक्स फोर्टी जब नरसिम वर्मन रूल कर रहे थे उसी समय हुएंग जो है वो यहां पर विजिट करते हैं कहां पर आ, इस पलवा किंगडम सॉरी इस पलवा किंग जो है इसके ठीक है तो जो पल्लवा किंग है इसके टाइम पीरियड में ये मूव करते हुए इंसान यहां पर यही बताया गया कि एक सेकेंड ये ऊपर नहीं हुआ है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये बता रहा है कि जो सांग एक थे वो इन्हीं के टाइम में आते हैं पलवा किंगडम में और उन्होंने काफी कुछ बताया है पलवास के बारे में ठीक है तो ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते ही ऑल्सो सेज देयर वॉज एन अबेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और हुए सांग क्योंकि जब वो पलवास के अः ये रूलर रूल कर रहे थे उस टाइम पीरियड में आते तो उन्होंने काफी कुछ बताया था उस समय के पलवास किंगडम के में, उनकी सोसाइटी के बारे में उनकी इकॉनमी के बारे में तो हुए सांग ने जिक्र किया था कि एग्रीकल्चर जो है बहुत ही यहां पर प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा है और अबेंडेंस में है मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में यहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है ग्रेट लाइक अपार आगे जब मैं आपको भक्ति वगैरह के बारे में बताऊंगी तो हम अलवार और नयनार सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे नयनार सेंट्स बेसिकली वो होते थे जो कि शिव की उपासना करते थे शिव पूजक होते थे तो यहां पर यही बोल रहा है कि ग्रेट नैनार सेंट्स जो थे कई महान नयनार संत थे जो शिव के उपासक थे और अलवाल ये आपको साउथ इंडिया में ही दिखाई देते हैं तो उनमें से कुछ जो थे वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हमें दिखाई देते हैं इन्हीं के समय में इनके शासन काल में आ, उनका हमें अस्तित्व दिखाई देता है ही बाय हिज सन आगे चलकर इनके नए उत्तराधिकारी बनते हैं और वो इनके बेटे होते हैं उनका नाम होता है महेंद्र वर्मन सेकेंड और यहाँ पर इनका रीन दे रखा है सिक्स से अराउंड सेवेंटी मतलब बहुत कम टाइम पीरियड तक इनके जो सक्सेसर है वो रूल करते हैं ठीक है यहां पर कुछ हमने फेमस रूलर पढ़े महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन फर्स्ट ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है क्योंकि इन्होंने चालुक्यास के साथ में लड़ाई लड़ी थी अब लेटर हमें कुछ रूलर्स दिखाई देते हैं यानी बाद में भी हमें कुछ शासक दिखाई देते हैं आफ्टर महेंद्र वर्मन सेकेंड हिज सन अ यहां पर दिखा रहा है कि उनके बाद उनके बेटे सक्सेसर बनते हैं परमेश्वर वर्मन ड्यूरिंग हिज रूल कांचीपुरम वाज ऑक्यूपाइड बाय चालुक्यास क्योंकि चालुक्यास को इन्होंने डिफीट किया था चालुक्या के एक फेमस रूलर पुलकेशिन सेकंड की इन्होंने हत्या की थी तो जो पुलकेशिन सेकंड के उत्तराधिकारी थे सक्सेसर थे उन्होंने भी कुछ ही समय बाद अटैक किया अपने आप को पावरफुल करके कहां पे कांचीपुरम में पल्लवास की कैपिटल में तो यहाँ पर यह बता रहा है कि जो परमेश्वर वर्मन थे इनके टाइम पीरियड में चालुक्याज ने अटैक किया था कहां पर कांचीपुरम में इनकी कैपिटल में ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां पर आगे बता रहा है नृप्तुंगा के बारे में नृप्तुंगा वॉज एन इंपॉर्टेंट किंग डिफीटेड अ पांड्या किंग नृपतुंग जो थे वो पल्लवास के एक रूलर थे इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि पल्लव पल्लवास के पैदल जो साउथ में पांड्यास रूल कर रहे थे तो हमें पता लगता है कि इसने पांड्या राजा को पराजित किया था देर वर अ फ्यू अदर रूलर इसके बाद भी हमें काफी सारे सक्सेसर या फिर रूलर दिखाई दिए वन बाय वन और इनका पलवास का जो हमें लास्ट रूलर दिखाई देता है उसका नाम था अपराजित वर्मन ठीक है और अपराजित पराजित हो जाते हैं कब जब चोल्स ने उन पर अटैक किया और चोल के साथ में युद्ध हो रहा था तब उनकी हत्या कर दी जाती वो उस, उस युद्ध में मारा गया तो अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट फेमस रूलर्स पढ़े अब देखो रूलर्स पढ़े हो तो हमें सबके नाम याद नहीं करने हमें कुछ स्पेसिफिक नेम्स लर्न करने स्पेसिफिक में एक तो फाउंडर होता है और लास्ट हो गया इसके अलावा किसी ने कुछ स्पेसिफिक किया हो तो हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम पढ़े जिन्होंने चालोक्यास के साथ में मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था जिन्होंने पांड्यास किंग को डिफीट किया था या फिर श्रीलंका को ऑक्यूपाई किया था नेवल एक्सपेडेशन किया था तो ये कुछ फेमस जो रूलर्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट यहां पर क्या बोल रहा है ओके uh, okay, तो ये हमारा जो पल्लवाज है ओके okay, तो ये जो हमारा पल्लवाज है uh, यहां पर हम इसको रोकेंगे क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट होता है बेसिकली मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगी जब भी हम uh, पढ़ते हैं पल्लवास के बारे में चालुक्यास के बारे में और पांडे वा तो ये ऐसे टॉपिक्स है ना जिसको आप अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते मतलब मुझे अब अप तक आ, अपने कंटेंट को डिलीवर करना है तो मैं आपको डे वाइज यहाँ पे लेक्चर दे रही हूं लेकिन जब भी आप ये टॉपिक कवर करेंगे आपको चालू चालुक्यास पढ़ना ही पढ़ना है तो अभी जो हमारा लास्ट लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर था आ, चालुक्यास और ये हमारा हुआ पल्लवाज आपको इन दोनों को कंबाइंडली स्टडी करना है तो आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि किस तरह चालुक्याज और पल्लवाज है एक दूसरे पे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं क्या क्या चीजें चल रही हैं और इनके पैरेलल नदन इंडिया में क्या चल रहा था वर्धन डायनेस्टी हम देखते हैं ना हर्षवर्धन रूल करते हैं तो चालुक्यास पल्लवाज और ऊपर है वर्धन और नीचे है पांड्या ये सारी चीजें पैरल चल रही है थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस होता है तो आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन बाकी यहां पर आप देख सकते हैं ये है हमारे एमबाइप का ऐप जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर अभी तक आपने इसको यूज करना चालू नहीं किया है तो प्लीज ये काम करिए मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूं कि जब भी क्लास होती है उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे तो प्लीज इस सेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप जाइए प्रोडक्ट पर डिफेंस कैटेगरी में रजिस्टर्ड करिए और वहां जाकर आ, पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कर लेंगे साथ ही मैं आपको बता दू हमारा टेलीग्राम ग्रुप यहां पर आप देख सकते हैं एम्बाइड अचीव डिफेंस एग्जाम ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस, आ, लिंक पर क्लिक करके इसे आप ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि यहीं पर आपको इस पूरी क्लास की पी प्रोवाइड करा दी जाएगी तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, करें वीडियो को लाइक और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। मैं आपको अपनी क्लास की टाइमिंग और बताना चाहूंगी तो अब हमारी जो रेगुलर क्लास है वो दोपहर बारह बजे आया करेंगी मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस चलेंगी तो काफी सारे बच्चों को शिकायत थी क्लास को लेकर सिलेबस कैसे होगा तो अब आपका सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आगे हम रेगुलर क्लास लेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी सेशन से आपको अपडेट कर दिया जाएगा तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यही रोकते हैं बाकी मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ थैंक